हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी का मौसम आते ही बच्चों को, जो नवजात शिशु हैं, माता पिता पहली बार बने हैं, नहीं समझ आता कि बच्चे को एसी या कूलर में लिटाएं या फिर ना लिटाएं, क्योंकि तेजी से मौसम चेंज होता है कि अभी दिन में तो 46-47 टेम्परेचर है, शाम को आंधी बारिश आ जाती है तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है और ऐसे में बच्चे बीमार भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी लेकर आई हूँ और उम्मीद करूंगी आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, जब नवजात शिशु होता है तो उसके लिए एसी या कूलर उपयोग किया जाना चाहिए या फिर नहीं? एसी या कूलर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए। देखिए, जब भी आप नवजात शिशु को एसी में लिटाते हैं तो टेम्परेचर का बहुत अधिक ध्यान रखिए कि टेम्परेचर आपका 23 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच होना चाहिए और मौसम के हिसाब से टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखें। जैसे कि अगर ठंडा है तो रूम टेम्परेचर आप चेक कीजिए, ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चा आसानी से लेट सके। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि जब भी बच्चे को आप एसी या कूलर में लिटाते हैं तो बच्चे को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाकर रखें, जिससे कि बच्चे को ठंडी हवा डायरेक्ट बच्चे के शरीर पर ना लगे। लेकिन कपड़े, अगर मौसम ठंडा है या फिर मैं कहूँ एसी में बच्चे को लिटा रहे हैं, नवजात शिशु है, तो एक कपड़ा ज्यादा पहना है, लेकिन वूलन नहीं पहनाना है, मोटा कपड़ा नहीं पहनाना है, कॉटन का एक कपड़ा ज्यादा पहना दे। बच्चे को पूरा ढककर रखें, हो सके तो नवजात शिशु है एसी में अगर आप लिटा रहे हैं तो कॉटन की कैप आती है बिल्कुल पतली, तो वो बच्चे के सर पर पहना सकते हैं। इससे बच्चे को बिल्कुल भी ठंड भी नहीं लगेगी और गर्मी भी नहीं लगेगी। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब भी बच्चे को एसी रूम से बाहर लेकर जाएं तो टेम्परेचर का बहुत अधिक ध्यान रखें। बच्चे को एकदम से ठंडे से गर्म में नहीं लेकर जाना है, क्योंकि को आप सीधे ठंडे से गर्म में लेकर जाते हैं तो इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो इस चीज का भी आप बहुत अधिक ध्यान रखें। देखिए, क्या होता है कि एसी हो, कूलर हो, अगर आप कूलर में भी बच्चे को लिटा रहे हैं तो हमेशा एक खिड़की विंडो हल्की सी खोल कर रखें, जिससे कि रूम का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब बात आती है कि बच्चे को एसी में लिटाए, टेम्परेचर मेंटेन रखा, उसके बाद भी बच्चा क्यों बीमार पड़ जाता है? देखिए, क्या होता है कि मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, बारिश आ जाती है, आंधी आ जाती है, और जो देर रात से लेकर सुबह तक का समय होता है उसमें सभी लोग बहुत ही गहरी नींद में सोते हैं। उस समय जो रूम का टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 26 डिग्री पर रूम का टेम्परेचर 10 बजे सेट किया है और आप सो रहे हैं, और लेकिन क्या होता है कि 3 से 4 बजे के बीच में रूम टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो 26 डिग्री पर भी आपका रूम काफी ठंडा हो जाता है, तो आप या तो टाइमर लगा लें कि उस समय एसी बंद कर दें, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर भी काफी डाउन रहता है, तो उस समय का जो टेम्परेचर होता है अगर आप 26 पे लगातार एसी चलाए रखते हैं तो वो टेम्परेचर आपके बच्चे को बीमार कर देता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि एसी जब भी आप चलाते हैं तो उस टाइम पर, कि 3 से 4 बजे से लेकर सुबह के 5-6-7 बजे तक जब भी आप उठते हैं उस समय तक या तो एसी का टेम्परेचर चेंज करें या फिर एसी बंद कर दें या फिर अलार्म लगाकर सोएं, जिससे कि उस समय पर आप बंद कर पाए, क्योंकि वो समय ऐसा होता है जो जिसमें बच्चे को ठंड लग जाती है। बच्चे को पतला ब्लैंकेट उड़ाकर सो लाएं, या कॉटन की अगर कोई चादर आप उड़ाते हैं या पतला सा कोई ब्लैंकेट आप उड़ाते हैं, वो बच्चे को उड़ाकर सो लाएं और बच्चे की कोहनी के नीचे दबा दें, जिससे कि वो बच्चे के मुंह पर ना आ पाए। अगर वो बच्चे के मुंह पर आ पाता है तो बच्चा उससे काफी हद तक परेशान हो जाता है और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहता है बच्चा, तो बच्चे के मुंह पर उसको ना आने दें, इस चीज का आप बहुत अधिक ध्यान रखिए। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी लेटेस्ट अगर आप न्यूज में देखेंगे, बच्चे बहुत अधिक बीमार पड़ रहे हैं कि खांसी, जुकाम, निमोनिया होना बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चों को, तो उसका कारण दोस्तों ये ही है। ऐसा नहीं है कि एसी कूलर में बच्चे को सुलाना ही नहीं है, नहीं, छोटे बच्चों की जो बॉडी होती है वो गर्मी में ज्यादा बीमार होती है एज कम्पेयर टू ऐसे टेम्परेचर में जहां वो कंफर्टेबल होकर सो पाते हैं। अगर आप गर्मी में बच्चे को रखेंगे तो वहां पर उसको घमोरियां होना, रैशेस होना, या फिर बच्चा कंफर्टेबल होकर नहीं सो पाता है। इसलिए बच्चों के लिए एसी या कूलर सही है, लेकिन मौसम के हिसाब से उसका टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बच्चे को खांसी, जुकाम और निमोनिया जैसी परेशानियां हो सकती है। कूलर हो, एसी हो, दोनों चीजें अच्छी हैं, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि बड़ों की जो बॉडी होती है, अगर आप 26 पे टेम्परेचर रख रहे हैं, आपको ठंड लग रही है या फिर मैं कहूँ आपको गर्मी लग रही है,
लेकिन छोटे बच्चों को वही टेम्परेचर नॉर्मल लगता है, तो आपकी बॉडी उस टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेती है, लेकिन छोटे बच्चों की बॉडी इतनी जल्दी जल्दी एडजस्ट नहीं करती है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए बच्चे को एसी में सुलाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।